उत्तर प्रदेश में आज गंगा दशहरा पर जनपद प्रयागराज थानापुरा मुफ्ती के अंतर्गत फतेहपुर घाट पर हजारों लोगों ने डुबकी लगाई। आज सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का गंगा में डुबकी लगाने हेतु दूर दराज से आने का सिलसिला शुरू हो गया था। लगभग 50,000 लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि घाट को पक्का कराया जाए, जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। वहीं लोगों का कहना है कि घाट पर श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की ना पानी के पीने की। आपको बता दूं, घाट पर बना प्राचीन शिव मंदिर लोगों के बताने के अनुसार ये तृतीय युग का मंदिर है। वहीं वहां के लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी व शरबत के स्टॉल लगाए ताकि उन्हें गर्मी से कुछ निजात मिल सके। कौशाम्बी से पब्लिक समाचार के लिए सुनील साहू की रिपोर्ट। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक समाचार को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए।